नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर, ज्वाली विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस के नेताओं व पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की बैठक कांग्रेस के ऑब्जर्वर धीरज गुर्जर ने ली। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता धीरज ने बताया कि जिला संगठनात्मक नूरपुर में चारों विश्व क्षेत्रों में कांग्रेस के नेताओं में भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में कुछ विषय पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। सभी कार्यकर्ताओं का यही मत है कि जिसको भी टिकट मिलेगी उसका साथ देंगे। कांग्रेस के नेताओं का एक ही उद्देश्य है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। धीरज ने कहा कि प्रदेश की जनता बेरोजगारी, महंगाई तथा वर्तमान सरकार की जनविरोधी नीतियों से तंग है तथा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत में जिला कांगड़ा का अहम योगदान रहेगा। कांग्रेस देगी जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट। धीरज ने कहा कि नूरपुर जिला के चारों विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार को प्रदेश में काबिज करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं की जाएगी। केवल और केवल विधानसभा क्षेत्र में जीत की क्षमता रखने वाले कार्यकर्ता को ही कांग्रेस टिकट मिलेगी। मुझे स्क्रीनिंग के मेंबर के रूप में नियुक्त किया और जो हमारी चेयरमैन है दीपा दास मुंशी जी, उन्होंने दो दो लोकसभाएं बांटी है मेरे में और उमंग सिंगार जी में। और मैं अभी यहाँ पहुंचा हूँ, यहाँ चार विधानसभाओं के जो हमारे प्रतिनिधि हैं कांग्रेस के, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला कमेटी के मेंबर, प्रदेश पदाधिकारी, हाईवे के विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन सबसे हमने फीडबैक लिया है। और उसके बाद जब पीसी हमारे को सूची सौंपेगी तो हम लोग स्क्रीनिंग के माध्यम से ये निर्णय कर पाएंगे कि कार्यकर्ताओं की जनभावना के अनुरूप टिकट मिले हैं। पार्टी आलाकमान ये चाहते हैं कि हिमाचल की जनता जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के राज में त्रस्त हो चुकी है, युवा बेरोजगार है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, हिमाचल के अंदर विकास का पहिया थम गया है, इसलिए या ऐसे लोगों को टिकट मिले जो हिमाचल प्रदेश के अंदर पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाकर यहाँ के लोगों को भाजपा के कुशासन से मुक्त करा सकें। इसी संबंध में यहाँ के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से मिला हूँ। यहाँ विधायक जी हमारे बैठे हैं फतेहपुर के, हमारे पूर्व विधायक बैठे हैं, हमारे कार्यकारी प्रधान बैठे हैं और टॉप टू बॉटम प्रत्येक कार्यकर्ता से हमने उनके फीडबैक लिया। आज आपने कितने विधानसभा क्षेत्र का? चार विधानसभा क्षेत्रों में यहाँ मिला हूँ मैं, नूरपुर, फतेहपुर, ज्वाली और इंदौर। कहीं विरोध भी देखा गया है किसी जैसे दो या तीन जिलों में? नहीं, हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने पास अपनी बात रखें। पार्टी के अंदर कहीं भी मनभेद नहीं है, लोगों के विचार अलग अलग उम्मीदवार के प्रति हो सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति ये कह रहा है कि लड़ाई इस बात की है कि अब हिमाचल को विकास के तरफ आगे बढ़ाना है, इसलिए हम लोग कांग्रेस के जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो उम्मीदवार जिसको आला कमान टिकट दे देगा उसके साथ खड़े हो जाएंगे। वहीं महिलाओं को भी अवसर मिलेगा कुछ परसेंटेज में? जैसे देखिए, जिताऊ टिकाऊ जनता की सेवा करने वाला, लोगों के बीच में रहने वाला, पार्टी संगठन को साथ लेकर चलने वाला चेहरा जहाँ पर सामने आएगा उसको हम टिकट देंगे। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।